हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं जा रहा हूँ सैमू के स्कूल, सैमू को लेने, और दूसरा आपको मैं उसका स्कूल दिखाऊंगा। वो स्कूल नहीं है, वो 5-स्टार होटल है। तो बहुत ही अच्छा स्कूल है। तो जितने भी यहाँ पे इंडियंस हैं, उनके मोस्टली बच्चे जो हैं उसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। और सिंगापुर का ये बहुत बड़ा स्कूल है, ग्लोबल इंटरनेशनल स्कूल। तो गर्मी है थोड़ी बहुत, टाइम ऑलमोस्ट दोपहर के 3 बज गए हैं। चलिए देखते हैं और आपको दिखाता हूँ मैं उसका स्कूल। तो हमारी सैमू का स्कूल मैक्सिमम यहाँ से 10-15 मिनट्स की डिस्टेंस का है, और उसे हम स्कूल तो नहीं कहेंगे, मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने ऐसा स्कूल तो नहीं देखा अभी तक। तो वो स्कूल है या क्या है या होटल है, नो आइडिया। और लेकिन मैं पहले भी जा चुका हूँ स्कूल, बट आज जो है मैं उस वीडियो जो है शूट कर रहा हूँ, तो आपको दिखाऊंगा स्कूल। वो स्कूल का नाम है ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल। तो गाइस, ऑलमोस्ट पहुँचने वाला हूँ स्कूल। ये बिल्कुल स्ट्रेट में जो है, दिखाता हूँ, ये जो बिल्कुल एंड में है, ये है वो स्कूल। तो देखिए कितना ज़्यादा वॉकिंग डिस्टेंस का नहीं था, पास में ही है। अच्छा स्कूल है, सारी फैसिलिटी हैं, अंदर से भी बिल्कुल आप जैसे 5-स्टार होटल, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि होटल नहीं, 7-स्टार होटल। तो वो वाली बिल्कुल फीलिंग आएगी आपको। देखता हूँ जितनी परमिशन मिल सके अपलोड करूँगा, बाकी सिक्योरिटी अगर कोई प्रॉब्लम ना करे तो मैं बिल्कुल पूरी की पूरी अपडेट करूँगा, वरना जितना हो सकेगा मैं आपको अपडेट कर दूँगा। तो गाइस, ये है समीक्षा द्विवेदी सैमू का स्कूल। वहाँ से आपकी एंट्री है, ये आएंगे और स्कूल का नाम दिखाता हूँ आपको। ये पूरा स्कूल देख रहे हैं आप, ये पूरा स्कूल 7-स्टार की फीलिंग देता है। तो ये है ग्लोबल इंडियन इंटरनेशनल स्कूल, जो मैं कह रहा था। तो गाइस, मैंने स्कूल में एंट्री कर लिया है, वहाँ सिक्योरिटी चेक करवाया, और अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये है सैमू का स्कूल। सैमू की छुट्टी हो गई है, वापस नीचे चलते हैं। है ना स्कूल बढ़िया। थैंक यू। तो गाइस, ये है गांधी मेमोरियल, एक छोटा सा उन्होंने म्यूजियम टाइप बनाया हुआ। फिर इसके आगे आपको दिखाता हूँ कैफेटेरिया एरिया, यहाँ पे आप स्नैक्स वगैरह जो है परचेज कर सकते हैं, अच्छी खासी कैंटीन है। ये सारा कैंटीन है इनका छोटा सा।
ये सारा वेटिंग एरिया है, ये पूरा रिसेप्शन हॉल है, इंक्वायरी रूम, एडमिशन रूम सब है यहाँ पर। ये पूरा स्कूल एग्जिट कर रहा हूँ, ये सारा स्कूल का एग्जिट है, यहाँ से मैंने एग्जिट मारा है। ये इनका कैंपस है पूरा, बस इसके बाद एग्जिट। पूरी बिल्डिंग है ये, देख लीजिए। तो ये है वो प्लेग्राउंड जो मैं कह रहा था, अभी रिसेंटली जो है कंस्ट्रक्शन ख़त्म हुई है और बहुत बड़ा प्लेग्राउंड बना है, देखें। ये पूरा प्लेग्राउंड फुटबॉल के लिए है ना, अच्छा। तो स्कूल के अंदर भी मैं दिखाता ज़्यादा, बट कोविड के रिस्ट्रिक्शंस और ओमिक्रॉन जो है ज़्यादा है तो अंदर इतना अलाउड नहीं है जाना। बाकी एज सच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मैंने नॉर्मली चेक इन किया ट्रेस टुगेदर से, एंट्री करी और वो स्कूल का पूरा, बट जहाँ तक दिखा सकता था मैंने अपलोड करी वीडियो। बाकी सैमू मेरे साथ ही है, आई होप कि आज का जो है ब्लॉग आपको पसंद आए, देखता हूँ नेक्स्ट कंटेंट मेरा क्या होगा। सो गाइस इट्स टाइम टू से गुड बाय, अब वापस मैं अपने घर जा रहा हूँ और फिर इवनिंग में निकलूँगा शॉपिंग के लिए। तो देखते हैं, मिलते हैं एक नए कंटेंट के साथ जल्द ही। उम्मीद करूँगा आपको आज का ये ब्लॉग पसंद आया मेरा, सो लाइक कमेंट और प्लीज़ फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय।